हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाइटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर आज का संडे कमेंट बॉक्स, यानी कि 45th संडे कमेंट बॉक्स की आज हम बात करेंगे। मुझसे यहां पे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल पूछे गए थे, अपडेट से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, न्यू विजिट से रिलेटेड, सभी का जवाब यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, कब तक ऑफिशियली रिलीज़ होगा 12.5 का अपडेट Redmi 9A में। तो आपको बता दूँ, Redmi 9A में फाइनली इंडिया में 12.5.5.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हम सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन इस अपडेट का स्क्रीनशॉट रिलीज़ नहीं किया गया है। वो क्यों नहीं किया गया है, इसके ऊपर मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, अभी के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 का अपडेट स्टॉप्ड है, इसलिए इस डिवाइस के लिए अभी तक 12.5.5.0 अपडेटर सेक्शन में देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन इसकी फास्ट बूट रोम, रिकवरी रोम दोनों अवेलेबल हो चुकी हैं। अगर आप अभी अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद उसमें आपको अपने लैपटॉप की हेल्प से MI फ्लैश टूल से इस वाले अपडेट की फास्ट बूट रोम अपने Redmi 9A में फ्लैश कर लेनी है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। तो आप इस वाले मेथड से ऑफिशियली अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अपडेटर सेक्शन में ही अपडेट चाहिए तो आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपडेटर सेक्शन में भी इस अपडेट को ज़रूर रिलीज़ किया जाएगा, वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन 99% कन्फर्म है कि आपको जून के एंड तक ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा आपके अपडेटर सेक्शन में MIUI 12.5 का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 फॉर Redmi 9A। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, मेरा Redmi 9A है, इसमें कब तक आएगा 12.5 का अपडेट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर आपको अपने अपडेटर में चाहिए। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप इस फास्ट बूट रोम से फ्लैश कर सकते हैं। आपको सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, आपको यहाँ पर सभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ही देखने के लिए मिलेगी सभी टेलीग्राम चैनल से। तो आपको सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इसका लिंक आपको इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 न्यू 12.5 डाटा। तो मैं आपको बता दूं, ये बात हो रही है Redmi 9 इंडिया की। तो फिर यहाँ पे Redmi 9 इंडिया के साथ बहुत ही गलत सीन हो चुका है। यहाँ पे Redmi 9 इंडिया के लिए 12.5 का अपडेट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12.0.17.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट 192 MB में रिलीज़ किया गया है। और आपको इसमें लेटेस्ट पैच भी दिया गया है ताकि यूज़र्स कंप्लेन ना करें 12.5 का अपडेट के दर है। और इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, Redmi 9 इंडिया 12.0.17.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट, 12.5 और एंड्रॉयड 11 का अपडेट आप सभी को यहाँ पे कौन से मंथ तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो Redmi 9 इंडिया की बात करें, Redmi 9 में 12.5 इंडिया में आ चुका है। तो अब Redmi 9 इंडिया का जो हमारा नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो 12.5 का ही होगा विद एंड्रॉयड 11। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना है। अगर आप यहाँ पे Redmi 9 इंडिया के यूज़र हैं, आपको 12.5 के अपडेट का वेट है, तो आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा वेट और करना है आपके डिवाइस के लिए 12.5 विद एंड्रॉयड 11 का अपडेट यहाँ पे बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, पोको C3 में कब तक आएगा 12.5 का अपडेट। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करना भूल गया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और मैं इस वाली वीडियो को बहुत ही जल्द यहां पर अपलोड भी कर दूंगा। अगर मैंने अपलोड कर दी है पहले ही तो इस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोको C3 के लिए 12.0.18.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। आपको इस अपडेट का साइज़ 191 MB का देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ इस वाले अपडेट में भी आपको जून के महीने का ही सिक्योरिटी पैच यहाँ पर दिया गया है और उस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर अवेलेबल
हो चुके हैं। तो यहाँ पे पोको C3 के लिए लेटेस्ट अपडेट 12.0.13.0 का चल रहा है। अब इस वाले डिवाइस के लिए MIUI 13 का अपडेट, मेरा मतलब 12.5 का अपडेट विद एंड्रॉइड 11 नेक्स्ट अपडेट ही होने वाला है इस डिवाइस के लिए। तो अपडेट रेडी भी हो चुका था लेकिन तब भी उसको यहाँ पे पता नहीं रिलीज़ क्यों नहीं किया गया है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट और करना है अगर आप यहाँ पर पोको C3 के लिए 12.5 के अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो अब Redmi 9 इंडिया में रिलीज़ कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द, उसके बाद सेम अपडेट पोको C3 में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, साइड बार का कलर कैसे चेंज हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे साइड बार का कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो ऑफिशियली चेंज है। मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की थी, इंस्टॉल MIUI 13 मॉडेड विजिट्स विदाउट रूट इन एनी Xiaomi डिवाइस, आप इसको विदाउट रूट, विदाउट अनलॉक बूटलोडर एंड विदाउट एनी कस्टम रिकवरी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ ये वाली वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर विजिट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वाली वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे अभी तक बाइटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। और इसके बाद अब अगला सवाल क्या पूछा गया है इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, हाउ टू एड Xiaomi विजिट ऑन ग्लोबल रोम विदाउट रूट। तो आपको एक बात साफ साफ बता दूं, विदाउट रूट ग्लोबल रोम में आप MIUI विजिट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए यहाँ पे रूट की ही ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट रूट तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर ही नहीं सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ। तो आपको सिंपली अपना मोबाइल रूट करना है, रूट के बाद ही आप यहाँ पे न्यू विजिट्स को ऐड कर पाएंगे ग्लोबल शेबल रोम में। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9C ग्लोबल में कब आएगा 12.5 एंड्रॉइड 11। तो Redmi 9C की हम बात करें तो इस डिवाइस के लिए लेटेस्ट अपडेट कौन सा चल रहा है। तो इसके लिए लेटेस्ट अपडेट ग्लोबल शेवल में 12.0.21.0 का ग्लोबल शेवल अपडेट मार्च के महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पे चल रहा है। अब इस डिवाइस के लिए नेक्स्ट अपडेट मेरे हिसाब से तो 12.5 का ही होने वाला है। तो ये जो पोको C3 डिवाइस है, आपको बता दूं पोको C3 Redmi 9C सेम कैसे हैं। Redmi 9C का रीब्रांड डिवाइस पोको C3 इंडिया में है, पोको C3 इंडिया में जून के महीने का सिक्योरिटी पैच रिलीज किया गया लेकिन Redmi 9C में नहीं किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि Redmi 9C में मेरे हिसाब से जून के महीने का सिक्योरिटी पैच रिलीज़ कर दिया गया होगा लेकिन उसके अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अगर नहीं किया गया है तो अब यहाँ पे Redmi 9C के लिए 12.5 विद एंड्रॉइड 11 का अपडेट आने वाला है, उसके बाद आपको वो सेम अपडेट पोको C3 में भी ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद Redmi 9 इंडिया में भी ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया Redmi 9C में ग्लोबल शेबल के न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, पोको C3 का 12.5 का अपडेट कब तक मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ, पोको C3 में लेटेस्ट अपडेट हमारा 12.0.13.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है विद जून के महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ। इस अपडेट का साइज आपको 191 MB का देखने के लिए मिल गया था, यानी कि 191 MB का, और आपको इसमें जून के महीने का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल गया था। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो 12.5 का ही होगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे 100% रियल है। तो इसके बाद अब अगला सवाल यहाँ पे कौन सा पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 Power में एंड्रॉइड 12 अपडेट में कंट्रोल सेंटर ब्लर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप यहां पे Redmi 9 Power MIUI 13 का वेट कर रहे हैं, अगर आपके पास 4 GB रैम का डिवाइस है तो आपके कंट्रोल सेंटर में ब्लर कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उस वाले ब्लर को यहाँ पे परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है 4 GB रैम के डिवाइसेस में। तो आप इस वाले स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट Redmi 9 Power MIUI 13 Android 12 चाइना बेटा रोम से ही लिया गया है और इसमें आपको कोई भी ब्लर देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाला डिवाइस यहाँ पे 4 GB रैम का है। अगर आपका 6 GB रैम का है तो आपके पास ब्लर अभी भी होगा और वो MIUI 13 Android 12 में भी कभी भी नहीं जाने वाला है, लेकिन 4 GB रैम में आपको
आपको इस तरीके से बेकार कंट्रोल सेंटर ही देखने के लिए मिलेगा। कंट्रोल सेंटर का लुक तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस आपको इसमें ब्लर जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi Note 10s में कब आएगा इंडिया में? तो Redmi Note 10s में MIUI 13 Android 12 बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल शेवल में इसको फुली रिलीज़ यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, रियली कमिंग टू Redmi 9 पावर एंड्रॉयड 12 कमिंग? तो मैं आपको बता दूँ ये बात 100% सच है, यहाँ पर Redmi 99 पावर के लिए MIUI 13 Android 12 रिलीज़ कर दिया गया है, और इसके कुछ स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेना भी चाहते हैं, तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप यहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का 45th संडे कमेंट बॉक्स, यही सारे सवाल पूछे गए थे मुझसे पिछले हफ्ते में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाइट चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।